मेरे अन्नदाताओं को प्रणाम। किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग एडवाइजर में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउ एग्रोसाइंस के डेलीगेट की। किसान भाइयों, जो डाउ एग्रोसाइंस का डेलीगेट है, इसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको मैं इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके टेक्निकल नाम की, मात्रा, डोज इसका क्या है, कीमत क्या है और कौन कौन सी फसलों पर कौन कौन से इंसेक्ट को ये आसानी से कंट्रोल कर लेता है। टेक्निकल नाम की बात करें किसान भाइयों, इसका टेक्निकल नाम है स्पेनोटोरम, जो कि इसमें 11.7% जो कि SC फार्म में है। मात्रा आप किसान भाइयों, मात्रा लेना है 18 ml प्रति पंप मात्रा इसकी 18 ml। और डोज की बात करते हैं, प्रति एकड़ डोज क्या है, 180 ml के लगभग आपको डोज लेना चाहिए। अब बात करते हैं कीमत, इसी कीमत क्या है। जो डाउ एग्रोसाइंस का डेलीगेट है, यह आपको मार्केट में 180 ml का जो आता है, 180 ml आपको लगभग 1800 रुपये में आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। किसान भाइयों, अब आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी फसल पर कौन कौन से इंसेक्ट को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। डाउ एग्रोसाइंस का डेलीगेट सभी प्रकार की इल्लियों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। किसान भाइयों, इल्ली के साथ साथ जो रस चूसक कीट होते हैं, जैसे कि लीफ माइनर, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, एफिड जेसिड, माहू, इनको भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। अब किसान भाइयों बात करते हैं कौन कौन से इल्लियों को ये कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, ये मक्का में लगने वाली फॉल आर्मी वर्म, तम्बाकू इल्ली, पत्ता लपेट, चने की जो हरी इल्ली आती है उसको भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा अमेरिकन इल्ली, फल छेदक, गोभी का जो डायमंड ब्लैक मूत आता है, इसको भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है किसान भाइयों। इसके अलावा फल छेदक और तना छेदक इल्लियों को भी आसानी से कंट्रोल ये कर लेता है। हमारे क्षेत्र में किसान भाइयों, मिर्ची की खेती अधिकतर किसान करते हैं। जो मिर्ची में लगने वाले थ्रिप्स है, इस पर काफ़ी शानदार इसका रिजल्ट होता है। और हमारे क्षेत्र में हम मक्का की खेती में खुद किसान भाई करता हूँ, मक्का के क्षेत्र में जो फॉल आर्मी वर्म आता है, जो सैनिक कीट आता है, इस पे भी काफ़ी शानदार इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और ख़ास करके सफ़ेद मक्खियों को भी आसानी से कंट्रोल, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला इंसेक्टिसाइड है। किसान भाइयों यदि आपकी फसल में ये इस प्रकार के जो मैंने बताए ये रोग लगे हो, तो किसान भाइयों आप डेलीगेट का अवश्य यूज़ करें, काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम किसी दवाई का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। किसान भाइयों, जो डेलीगेट इंसेक्टिसाइड है, इसका यूज़ मैं खुद अपने खेत में स्वयं करता रहता हूं, अपनी फसलों में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मेरे को देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, आपकी भी फसल में यदि इसी प्रकार की बीमारी है जो मैंने आपको बताई है, तो आप डेलीगेट का यूज़ अवश्य ही करेगा, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देने वाला इंसेक्टिसाइड है डेलीगेट। जो स्पिनोटोरम टेक्निकल आपको मैंने बताया है, जो स्पिनोटोरम टेक्निकल है अन्य कंपनी के दवाइयों में भी अवेलेबल है। किसान भाइयों, जैसे कि समीत टाटा कंपनी का आता है, उसमें भी स्पिनोटोरम अवेलेबल है। लार्गो का आता है, जो धानुका कंपनी का लार्गो इंसेक्टिसाइड आता है, उसमें भी ये टेक्निकल अवेलेबल है। किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो अच्छे लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान, जय किसान, मेरे अन्नदाताओं को प्रणाम।